बिना जल का पूल पार्टी। देखो स्विमिंग पूल में बैठे हैं, हरे कृष्णा राधे राधे, दर्शन कर लीजिए सबसे पहले आपका लाडला गोलू केशव, इधर निकुंज बाबू है, साथ में है राधा रमन बाबू और हमारे गोपू कृष्णु लद्दू बाबू, और दर्शन करिए आज की भोग का। तो प्रसादी हो चुका है, भोग लग चुके हैं ठाकुर जी को। तो सबसे पहले हमने बनाया था आज पूरी आमरस, साथ में है दाल की सब्जी, चावल और ये भोपला की चटनी है और जल, यही था आज का भोग। तो अभी बच्चे पा लिए हैं और बच्चे के लिए आए हैं एक नया गिफ्ट, तो चलिए वो भी अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों का हाथ मुंह धुला देते हैं, ये उनके लिए आए हैं। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले हम प्रसाद वगैरह पा लेते हैं, उसके बाद आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए गोलू बाबू बहुत ही खुश है क्योंकि गोलू बाबू के लिए आ चुके हैं गिफ्ट और अभी हम कर रहे हैं इनको अनबॉक्सिंग। और आप बोलो इसमें क्या है जल्दी से जल्दी। तो चलिए मैं बता देती हूँ, ये हमारे बच्चों के लिए आए हैं स्विमिंग पूल, क्या बाथटब भी बोल सकते हैं, तो उनके नहाने के लिए आए हैं। और देखिए बच्चे बहुत ही खुश है, और सबका तो नहा के हो गया था, फिर भी इन्होंने थोड़ा बैठ लिया है और ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं। देखिए कितने खुश है, क्योंकि आज लेट आ गया था इसलिए आज नहा नहीं पाए, तो अगले दिन ज़रूर मैं शेयर करूँगी इनके नहाने की वीडियो पूल में। तो कितना एंजॉय कर रही है, सब आ चुके हैं, गो माता स्कूटर लड्डू कृष्णु कानू सब आ चुके हैं और कितना सुंदर सब पार्टी कर रहे हैं, पूल पार्टी बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। चलिए अभी थोड़ा सा उनको खेलने देते हैं, उसके बाद उनको सुला देंगे दोपहर में। हरे कृष्णा, तो अभी शाम हो चुके हैं और मैं किचन में आ चुकी हूँ, अभी लगभग 5:30 बज चुके हैं और बच्चे अभी सोए हैं। तो चलिए पहले बच्चों को उठाएंगे, उसके बाद उनके लिए स्नैक्स बनेगा। आज स्नैक्स में बनेगा साबूदाना का बड़ा और चटनी। और ये देखिए ये साबूदाना है जो मैं दोपहर को भिगो के रखी थी और बहुत ही अच्छे से भीग चुका है। और इधर सारे बच्चे सोए हैं, तो चलो बच्चों जल्दी जल्दी उठो। चलिए इनको थोड़ा सा लाड करके उठा देते हैं, क्योंकि ये बच्चे ना थोड़ा सा बहुत बदमाश है, बहुत 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 ऐसे ही उठना ही नहीं चाहते हैं, बोलते नहीं 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 मम्मा थोड़ा छोड़ने दो थोड़ा छोड़ने दो। तो इनको जल्दी जल्दी उठाते हैं, उठाने के बाद फिर हम इनको जल का जो है भोग लगाएंगे। उठने के बाद पहले उनको जल देंगे, जल सबसे पहले देना चाहिए, उठाने के बाद पहले जल देंगे, उसके बाद उनके लिए कुछ भी जो भी घर पर रहेंगे बिस्किट वगैरह वो दे देंगे। तो देखते हैं आज घर पे क्या है, जैसे जिस दिन जहाँ रहते हैं वही दे देते हैं, जैसे कभी बिस्किट दे देते हैं, कभी काजू किशमिश रहते हैं, कभी चॉकलेट, कभी आइसक्रीम। तो आज फ्रिज में आइसक्रीम है, तो सोच रही हूँ आज थोड़ा सा आइसक्रीम इनको दे देते हैं भोग में, उसके बाद फिर मतलब जो भी स्नैक्स बनेगा वो देंगे। तो बच्चे अभी जल पी रहे हैं, चलिए जल्दी जल्दी जल पी लो और फिर आइसक्रीम। आज तो बहुत ही खुशी है क्योंकि आइसक्रीम के नाम सुनते हैं ना बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे। चलिए अभी गौ माता को भी थोड़ा जल पिला देते हैं और जाते हैं फ्रिज में, कौन सा आइसक्रीम है और कितना है वो भी मुझे पता नहीं है, फ्रिज खोलने के बाद ही पता चलेगा। ये देखिए दो आइसक्रीम है, तो दो हो जाएंगे, सारे बच्चों को मिल के खा लेंगे सब लोग। तो आज गोलू बाबू खा रहे हैं आइसक्रीम रसबेरी का। तो चलिए अभी गोलू बाबू को जल्दी से जल्दी देते हैं और सारे बच्चों को भी दे देते हैं। तो ये लोग जब तक आइसक्रीम फिनिश करेगा तब तक मेरा नाश्ता बन के रेडी भी हो जाएंगे। और गोलू बाबू को अपने हाथों में पकड़ के आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। और देखिए हमारे बाबू को कितना खुशी है, ओले बाबू आइसक्रीम खा ले हो तुम। और इधर आलू भी अच्छे से उबल के हो गया है, तो अभी मैं छिलका भी निकाल रही हूँ और इधर तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और इधर अब मैं बना रही हूँ साबूदाना के साथ जो चटनी खाते हैं ना वो चटनी। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा लिया है पुदीना पत्ता, 4 लिया है हरी मिर्च और एक टुकड़ा लिया है अदरक का, और थोड़ा सा अभी डाल रही हूँ काले मिर्च नमक और थोड़ा सा शक्कर
और डाल रही हूँ थोड़ा सा दही, दही 2 चम्मच, और अच्छे से अभी इनको पेस्ट बना लूँगी। ये चटनी ना बहुत ही अच्छा लगता है, और ज़रूर आप अपने ठाकुर जी को ऐसे बना के खिलाइए, बहुत पसंद आएंगे उनको, अपने लड्डू को ज़रूर बना के खिलाइएगा। और अभी जो मैंने रखी हूँ साबूदाना को अच्छे से फूल गए हैं, उसको पानी निचोड़ के रख दिया है, उसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ा सा अजवाइन, और थोड़ा सा धनिया पत्ता, सब डाल के अच्छे से मिक्स करके बॉल बना के ऐसे चपटे चपटे जैसे हम लोग टिक्की बनाते हैं ना, वैसे टिक्की बना लिया। आप चाहे तो इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे तो बच्चों को तीखा लगेगा, इसलिए क्योंकि चटनी में ऑलरेडी तीखापन है। तो अच्छे से अभी इनको कॉर्नफ्लावर देने की वजह से ना ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मतलब फूल के आएंगे और बहुत सुंदर भी लगते हैं खाने में। तो ज़रूर एक बार ट्राई करना घर पे, आप अपने बच्चों को ऐसे स्नैक्स बना के देंगे तो बहुत पसंद आएंगे, मतलब अपने ठाकुर जी के लिए बनाइए फिर आप प्रसाद पाइए, बहुत ही अच्छा है। और कभी कभी ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा सा इंजॉय भी करना चाहिए, लड्डू गोपाल के साथ, अपने राधा कृष्ण के साथ। तो हम अभी बच्चों को पहले गरम गरम चार बना के दी हूँ, और चटनी के साथ सब करेंगे, और भी जितना है धीरे धीरे मैं बना लूँगी। और ये ऑयल ना पूरी बनाई थी तो वो ऑयल था, मैं सोचा उसी ऑयल में बना लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ऑयल इतना बच गया है और इसको कैसे फेंकेंगे, आज ही बनाई हूँ पूरी तो फेस ऑयल है। तो चलिए थोड़ा सा मैंने मतलब काकड़ी भी काट दिया है, तो चलिए अभी बच्चों को दे देते हैं, भोग लगा देते हैं, और बच्चों को अपने हाथों से भी थोड़ा सा मैं खिला दूंगी। जैसा आपको पता है जी, मैं ऐसे ही देख के नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा हाथ अपने हाथों से खिलाती हूँ तो लगता है नहीं चलो बच्चे खा रहे हैं, और गर्म भी है, थोड़ा सा फूंक दे के ठंडा करके फिर मैं खिलाऊँगी धीरे धीरे। तो देखिए इधर रानी, लड्डू, कृष्णु, गप्पू, रमन, सबको थोड़े थोड़े, और ये ना फास्ट है वीडियो तो आपको थोड़ा लग रहा है इतना जल्दी जल्दी, लेकिन एक्चुअली फास्ट है वीडियो, तो मैं धीरे धीरे खिला रही हूँ इनको। अभी थोड़ा सा और एक बार बड़ा बना के लेके आती हूँ, तो वो भी बड़ा बन चुका है, तो ये गरम करके फिर थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया, और अभी गोलू को भोग लगा दिया, और दूसरे बच्चे भी पा रहे हैं उधर सही उन्हें उनको खिला रहे हैं, और मैं इधर गोलू बाबू को खिला रही हूँ। तो चलिए अभी हो गया है इनका भोग प्रसादी, हम पाएंगे उसके बाद, फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा टीवी देखेंगे, थोड़ा भजन कीर्तन आरती ये सब चालू होगा, फिर रात का जो डिनर है वो बनेगा। तो रात में आज कुछ सिंपल सा ही बने थे, कुछ है भी नहीं इसलिए मैं दिखाई नहीं, पूरी और आमरस ही बना था तो इसलिए और कुछ दिखाई नहीं। तो अभी डायरेक्ट आ चुके हैं गोलू सोने के लिए, दूध का भोग भी लग चुका है रात के सोने से पहले, और गोलू अभी सो गए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हरे कृष्ण।